जो हम टीवी पे देखते हैं, जो हम वैसे सोचते हैं, वो रियलिटी बहुत डिफरेंट नहीं नहीं यहाँ पर दिस इज नो इंडिया एंड पाकिस्तान यार, सब हेल्प कर रहे हैं दूसरे की, सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद में आपने फुल टाइम जॉब कैसे ढूंढी? और कि मेरी फ्लाइट से दो दिन पहले मुझे जॉब ऑफर हो गई, तो आपने स्टडी कंप्लीट होने से पहले ही अप्लाई कर दिया। यस, हमारा कल्चर कैसा है, सब मिलता जुलता है अपना इंडिया पाकिस्तान में। तो इस पूरे टाइम में ऐसे कौन से स्ट्रगल्स चैलेंजेस वगैरह आए जो आपको लगता है? कुछ स्टूडेंट्स अज्यूम करके आते हैं कि वो रिमेनिंग फीस यहाँ आके कर लेंगे। यस एग्जैक्टली, नहीं आप पूरी फीस नहीं अर्न कर सकते। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी है यहाँ पे जॉब ढूंढने का प्लान कर रहे हैं, आप उनको कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहते हो? हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिन इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव और कैमरा के पीछे अभी, जैसे हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था कि हम जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो हमारे साथ यहाँ पे वकास और फैजा, और ये लोग यहाँ पर पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान में कहाँ से हो आप? कराची। हम कराची से। कराची से, तो बहुत अच्छा लगता है यार हमें जब सिमिलर ऐसे कल्चर भी मिलता है और सब कुछ चीजें मिलती है। और यार अभी हम लोग बातें कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये लोग हमारी वीडियोस देख के रिलेट कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से। तो आज हम सोच रहे हैं कि इनके साथ इनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। कैजुअल रखेंगे इंटरव्यू, ये थोड़ा उनको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहा है, बट कैजुअल रखेंगे इस चीज को। सबसे पहले आप यार ये बताओ कि यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है आके, सबसे ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या है यूके में रहने का। उसके बाद हम शेयर करेंगे कि यार आप कैसे आए यहाँ पे, जॉब के पर्पज से आए या स्टडी पर्पज से आए, और कोई स्ट्रगल्स हो आपकी आप शेयर करना चाह लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। आई थिंक अब लाइक इट्स बीन एन ईयर, तो नाउ वी आर बिट मोर सेटल्ड, कंफर्टेबल, या बट जब वी स्टार्टेड आउट तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। जस्ट टू नेम अ फ्यू, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, कि जब हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए, हम 7 PM पे लैंड हुए थे एंड वी थॉट कि 8 PM पे बाहर आएंगे और टैक्सी ले लेंगे, बट वी केम आउट अराउंड 11:30 और उसके बाद सब बंद हो चुका था। तो स्ट्रगल स्टार्टेड राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और लाइक हर कोई हमें बस सजेशन दे रहा था कि ये टैक्सी ले लो, वो टैक्सी ले लो, तो वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। लकी इनफ कि वी फाउंड अ प्लेस टू क्रैश, और फिर सुबह वी वेंट टू नॉर्थहैम्पटन, जहाँ पे मैंने स्टडी करी नॉर्थहैम्पटन। तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन से स्टडी करी है? और किस चीज़ में पढ़ाई करी आपने? मैंने एमएससी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया था। ओके ओके, बिकॉज मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी बैचलर्स, तो दिस वाज अ लॉट मोर रिलेटेड टू माय। एंड यू ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस इन होम कंट्री? आई हैड अराउंड 2.5-3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओनली। ओके, तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस फील्ड। उसके अलावा अकोमोडेशन वाज बिगेस्ट थिंग फॉर अस। एक एक महीना लोग होटल्स में रहते हैं, हाँ हाँ, अकोमोडेशन मिलती ही नहीं है बहुत ज्यादा। प्लस वो कहते हैं कि आप अपनी स्टेटमेंट दिखाएं, तो अगर एक बंदा आया ही अभी है तो वो कैसे अपनी स्टेटमेंट दिखाएगा? तो वो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो अभी उस पे आएंगे कि आप लोगों ने उस चीज को कैसे टैकल किया, उस सिचुएशन को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपने यूके ही क्यों चुना, मतलब आपने शॉर्टलिस्ट करी कोई मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, या आपने क्या ऐसे पॉइंट्स आपने देखे यूके के बारे में कि आपको यूके जाना चाहिए और कंट्रीज के अलावा? ओके, सो हमने सबसे पहले कुछ ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें से एक जर्मनी था, यूके था, एंड वन ऑफ देम वाज ऑस्ट्रेलिया। ओके, इनिशियली हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि फाइजा वुड कम एज अ स्टूडेंट, ओके, और मैं आऊंगा एज डिपेंडेंट, बिकॉज डिपेंडेंट इज अलाउड टू वर्क फुल टाइम। बट द प्रॉब्लम वॉज के बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी में वी अप्लाइड, और उसमें थोड़ा सा वो लेट रिप्लाई करते थे, और कैश जो है वो हमारा कैश हमारा डिले होता जा रहा था। तो वी गॉट अ रिफंड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, और फिर मैंने रिसर्च किया कि और मेरा रेलिवेंट प्रोग्राम क्या बनता है, बिकॉज मैंने फाइजा के ऊपर तो पूरी रिसर्च करी हुई थी, बट अब मुझे स्टूडेंट बनना था। तो मैंने रेलिवेंट कोर्सेज देखे, तो मुझे यूके में एक बहुत रेलिवेंट कोर्स मिला, एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज मेरा 3 years एक्सपीरियंस था ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, तो दिस डिग्री वुड एलिवेट माई एक्सपीरियंस एज वेल। नॉर्थहैम्पटन वॉज रियली हेल्पफुल, बिकॉज मैंने उन पर पहले अप्लाई किया था जस्ट कैजुअली, एंड दे रिस्पॉन्डेड इन 2 days। फिर मैं फाइजा के प्रोसेस में लग गया, जब इनका रिप्लाई नहीं आया तो मैंने उनसे बोला कि कैन यू डिफर, तो उन्होंने डिफर किया, और उन्होंने विद इन 2 days मुझे कैश भेज दिया आफ्टर गेटिंग द फीस। लकी इनफ हमें कैश मिला, और स्कॉलरशिप भी मिली हमें, 4200 pounds की हमें स्कॉलरशिप मिली थी। तो आपने मतलब स्टडी मास्टर्स में अप्लाई करने से पहले कुछ एक्सपीरियंस लिया अपनी होम कंट्री में या आपने बैचलर्स के बाद? तो मैंने अपना बैचलर्स किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मैंने डायरेक्टली जॉब शुरू कर दी थी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, सेम एज फाइजा। सेम, मेरा भी ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री थी और 3 years एक्सपीरियंस था प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये बढ़िया रहता है ना, क्योंकि यार यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद फिर जॉब मिलने में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बैचलर से मास्टर्स कर रहे हो तो आपको वो वर्क एक्सपीरियंस की कमी है, वो लैक कर रहा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद फिर मास्टर्स के बाद सीधा आपकी जो जॉब एक्सपेक्टेशन होती है उसके लिए भी आपको स्किल्स और वो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है।
तो ये थोड़ा है कि आप लोग अगर यहाँ पे प्लान कर रहे हो आने का तो अपनी होम कंट्री में थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस आप लेके आओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा चांसेस होंगे आपको जॉब मिलने के। उसके अलावा फिर स्टडीज की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं बहुत एक टिपिकल स्टडीज के एनवायरमेंट से आया था जहाँ पे एग्जाम्स होते हैं और आपको पढ़ना पड़ता है, आपको याद करनी पड़ती है चीजें और आपको बहुत ज्यादा याद करनी पड़ती है चीजें, रट्टा मारना पड़ता है इन शॉर्ट। तो जब मैं यहाँ पर आया तो द क्लास वॉज लाइक कॉन्वर्सेशनल, यस, मतलब टीचर हमसे बात कर रहा था एंड देयर वर टाइम्स व्हेन टीचर अंडरस्टूड के हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट राइट और स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, मतलब ऐसा तो मैंने सुना ऐसा होता ही नहीं अपने एग्जैक्टली। तो जब मैंने इस तरीके की स्टडीज पढ़ी तो मुझे अंडरस्टैंड किया कि लाइक मैं सोच रहा हूँ क्लास में बैठ के और मैं अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ, टीचर मेरे एक्सपीरियंस से भी सीखता था और मैं उनके एक्सपीरियंस से भी सीखता था। मतलब वो ये ट्राई कर रहे हैं कि आप अपने माइंड से भी सोचो एग्जैक्टली क्या है, ये मत देखो कि ये है इसको ऐसे ही पढ़ना है बस। एग्जैक्टली तो वो थोड़ा सा एक इनिशियली थोड़ा सा मेरे चैलेंजिंग था कि यार बुक्स कहाँ हैं जहाँ से मुझे याद करना है। तो असाइनमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर फिर जब असाइनमेंट शुरू हुए तो बहुत सेल्फ लर्निंग थी, बहुत ज्यादा लेवल 7 मेरा मास्टर्स था तो स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि इजी रहा आपके लिए या फिर मुश्किल था एज कम्पेयर टू योर होम कंट्री, वहां से आके यहाँ पे? थोड़ा सा चैलेंजिंग था ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन व्हेन आई अंडरस्टूड एंड रियलाइज के यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा तो सारे असाइनमेंट्स अलग होंगे, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज के मैं इससे ज्यादा सीख रहा हूँ रादर देन 4 years ऑफ बैचलर्स। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई पिक्ड अप माय ग्रेड्स एज वेल, आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज के दिस एजुकेशन इज रियली रियली गुड, आपको एक्सपीरियंस मिलता है एग्जैक्टली, यस, असाइनमेंट करके आपको एक्चुअली में कुछ एक्सपीरियंस मतलब कुछ सीखने का मौका मिलता है और प्रैक्टिकल करने का। और यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट भी होता है, मतलब यू गेट टू इंटरैक्ट विद पीपल लाइक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नाइजीरिया, फ्रॉम कैनेडा, फ्रॉम एवरी अदर कंट्री, और उससे सीखना भी एक बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यही चीजें ना हम अपनी वीडियोस में एज ए थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, आपको पॉइंट्स बताते हैं कि यहाँ पे मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे पढ़ाई करके आपको ये सीखने को मौका मिलेगा। आज हम आपसे सुन रहे हैं एग्जैक्टली कि आपको ये सीखने को मिला, तो मतलब कि यार एग्जैक्टली सेम है ना, रेलेवेंट है वो इन्फॉर्मेशन, और ये आपका स्टूडेंट एक्सपीरियंस था। तो जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे तो आप यहाँ पे जॉब कर रहे थे उस टाइम पे? हुआ ये था कि जब हमने यूके में अप्लाई किया था और वीजा आने के दौरान और कुछ टाइम पहले से मैंने ये काम शुरू कर दिया था कि जॉब्स पे अप्लाई करती थी, तो वो जॉब अप्लाई करने का इतना फायदा हुआ कि मेरी फ्लाइट से 2 दिन पहले मुझे जॉब ऑफर हो गई। तो मेरे और क्या सकता है? तो मेरे यहाँ आने के बाद 5 दिन बाद फिर जॉब शुरू हो गई थी, तो मेरे पास क्योंकि फुल टाइम अपॉर्चुनिटी थी तो मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी और वकास एक जगह ऑनलाइन कह लें कि नोटिस पीरियड दे रहे थे और अपने जॉब कम्प्लीट कर रहे थे। तो ये अच्छा है क्योंकि पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके आओगे ना, पहले से आपका प्लानिंग होगी कि वहाँ पे जाके करना क्या है। एट ए टाइम अगर आप जॉब ढूंढोगे तो आपको काफी लेट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन वगैरह, अकोमोडेशन कैसे ढूंढी आपने? अच्छा, अकोमोडेशन का हमारा ये था कि हम 8 days की एयरबीएनबी करके आए थे। ओके, एंड देन यहाँ पर नॉर्थहैम्पटन में ही फैमिली थी एंड दे हैड अ शेयर्ड अकोमोडेशन। ओके, तो वहाँ पर वी डिसाइडेड कि वी विल हैव आवर टेम्पररी स्टे। थोड़ा सा वो बहुत चैलेंजिंग था वो जगह पे रहना, बिकॉज वी डिडंट रियलाइज कि यहाँ पर जहाँ पर बहुत अच्छे अकोमोडेशन है वहाँ पर बहुत बुरे अकोमोडेशन भी हैं। तो इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। तो वी थॉट कि हम यहाँ 4-5 महीने रहेंगे, बट वहाँ से हमें 1 महीने बाद ही जाना पड़ा। वो आपने ढूंढा कैसे था? वो हमने ढूंढा ऐसे था कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज्वाइंट थे कंट्री के और फेसबुक के ग्रुप्स पे ज्वाइंट थे। पेमेंट नहीं की थी, बात पहले हो गई थी, लेकिन हम गए, हमने विजिट किया और हमें जगह सही लगी, 1 room मिल रहा था शेयर्ड अपार्टमेंट में, तो फिर हमने पेमेंट की और फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तो विदिन 8 days जो आपका एयरबीएनबी था उसी में, 8 days वाला डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि आते ही लोग काफी परेशान होते हैं कि कैसे ढूंढना है। तो अगर आप एयरबीएनबी ले लेंगे ना तो आपको मेंटली पीस होता है कि अच्छा मेरे पास अभी जगह है, अब मुझे ये देखना है कि मैं परमानेंट कहाँ रहूंगा। तो फिर हम जब कंट्री में आए तो अकोमोडेशन के भी कुछ चैलेंजेस थे कि यहाँ पर हमें पता नहीं था कि यहाँ पे यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टू स्टार्ट अ लीज ऑन योर नेम ओनली। फिर एक जो ब्लॉकर बन गया था हमारे होता गारंटर, अब हमारे पास उस वक्त हमें नहीं पता था कि हमें गारंटर चाहिए होगा जिसको भी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी अपने एंड से, तो उनको भी दिखाना होता कि इन केस अगर आप पे नहीं कर पाए तो वो आपके भी हाथ पे फिर वो पे करेंगे, तो उनकी भी बैंक स्टेटमेंट लगती है और हर कोई फिर बैंक स्टेटमेंट आई थिंक लगती है। उनको अपनी पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है, अपनी नेशनलिटी एंड एवरीथिंग, और हर कोई ये करने को रेडी नहीं होता। एग्जैक्टली, तो लकी इनफ कि हमारे जो एम्प्लॉयर थे दे हेल्प्ड अ लॉट। ओके, उन्होंने ही हमें व्यूइंग कराई
वो इंडिया से थे तो उन्होंने कहा कि हम गारंटर बन जाएंगे और लाइक एजेंट को भी कोई मसला नहीं था, उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन की और तो ये रियल लाइफ मतलब एक इंडियंस पाकिस्तान से आए हुए स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं तो दिस इज रियली गुड यार, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है अंदर से, जो हम टीवी पे देखते हैं जो हम वैसे सोचते हैं वो रियलिटी बहुत डिफरेंट नहीं नहीं यहां पर दिस इज नो इंडियन पाकिस्तान यार, सब हेल्प कर रहे हैं दूसरे की, सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे और उन्होंने बहुत हेल्प करी, उन्होंने हमारी व्यूइंग करवाई, उन्होंने हमारे गारंटर बने और फिर 2 months बाद जब फायदा जॉब शुरू कर चुकी थी वहाँ पे तो दे अप्रोच्ड मी बिकॉज इनिशियली दे वर लुकिंग फॉर माय प्रोफाइल एज वेल बट फिर मैं तो फुल टाइम कर नहीं सकता था तो यहाँ पर दे थॉट कि हम आपके 20 आवर्स पे आपको करना चाहेंगे तो वी बोथ वर्क्ड एट द सेम प्लेस फॉर 1.5 years तो 20 आवर्स आपने अपनी लाइन की जॉब करी या मैंने 20 आवर्स अच्छा दोनों की हमारी फील्ड जॉब थी अच्छा फील्ड जॉब फायजा भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर लगी थी वहाँ पे यहाँ कॉमेंट्री में ही कॉमेंट्री टेक्नोलॉजी पार्क में उनका ऑफिस था तो फायजा वहाँ पे जॉब करी थी फुल टाइम एज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया मैं 20 आवर्स वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा था अपनी फील्ड में ही एक्सपीरियंस अगर हो रहा है आपको एग्जैक्टली स्टूडेंट जॉब में तो इससे बढ़िया क्या है लेकिन उसके लिए हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने मैं कहूँगा हंड्रेड्स ऑफ जॉब पे अप्लाई किया था हमने अपना रेशो बहुत बढ़ा दिया था हम हर चीज पे अप्लाई करते थे अज्यूम करके चलेंगे आप 100 पे अप्लाई करेंगे 20 रिप्लाई करेंगे 20 में से 10 है जो आपको यस करेंगी फिर इसमें कुछ 5 होंगे जिनमें आप इंटरव्यूज क्लियर करेंगे उसमें भी सिलेक्शन होगा रिजेक्शन होगा और हर रिजेक्शन से आपको सीखने का मौका मिलेगा कि क्या पॉइंट था जो नहीं कवर हो रहा था तो हमने बहुत अप्लाई किया था इन शॉर्ट लाइक लिंक्डइन से इंडीड से हर जगह से और कुछ बहुत जगहों से रिजेक्शन आई थी ऑब्वियसली लेकिन एक से सिलेक्शन हो गई एंड हमने एक दिन भी यहां पे आके ऑनेस्टली स्पीकिंग वी नेवर लुक्ड फॉर जॉब एंड वी वर Lucky enough, बट उसके लिए भी हमने बहुत स्ट्रगल की थी तो फिर आपने जो आपकी चलो पढ़ाई हुई फिर आपके साथ आपने पार्ट टाइम जॉब करी जो आपको अपनी फील्ड में ही लग गई उसके बाद में आपने फुल टाइम जॉब कैसे ढूंढी और हमारी वीडियो कैसे आपके लिए तो इनिशियली ये था कि जिस कंपनी में हम अभी जॉब कर रहे थे एज ए स्टूडेंट हमारा प्लान यही था कि हम उनके साथ ही स्पॉन्सर पे जाएंगे क्योंकि उनके पास भी लाइसेंस था लेकिन हुआ ये कि हमने आपकी वीडियो देखी उसमें आप वो प्रोसेस बता रहे थे कि कैसे अप्लाई करते हैं तो मैंने वकास से कहा प्रोसेस तो देखना ही है तो देख लेते हैं आप उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजर की तो हमने कहा ये रेलेवेंट भी है हमने वही एग्जाम्पल ली और उसी जॉब पे अप्लाई किया ओके और एक साइट आपने शेयर की थी टीयर 2 जॉब से रिलेटेड अच्छा हम शुरू में ये करते थे ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेल डाउनलोड करते थे और उसमें बैठ के देखते थे कौन सी कंपनी हमारी फील्ड की अब वो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था लेकिन जो साइट आपने शेयर की थी वीडियो में उसमें फिल्टर थे ऊपर आई थिंक वो टीयर 2 स्पॉन्सर लिस्ट का एक वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो उसमें फिल्टर ऑप्शन एग्जैक्टली तो हमने उसमें आईटी का फिल्टर लगाया उसमें हमने कमेंट्री लिखा अच्छा कमेंट्री पे हमने ये भी देखा कि सिर्फ कमेंट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उस वक्त टियर 2 तो फिर हमने क्लोज बाय टाउन्स ढूंढना शुरू किया तो उसमें लेमिंगटन एक टाउन आया अब लेमिंगटन पे हमें एक कंपनी मिली और उस कंपनी में मैंने एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर अप्लाई किया उस टाइम पे आई वाज स्टिल स्टडीइंग और बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही थी अबाउट इमिग्रेशन रूल्स अच्छा तो वी वर लुकिंग एन आई फॉर दैट अच्छा सो आई नो के आई गेस 15 या 16 डेज रह गए थे जिसमें यू कुड नॉट स्विच फ्रॉम स्टूडेंट वीजा टू टियर 2 वीजा अंटिल यू कंप्लीट योर स्टडीज तो अब मेरी स्टडीज कंप्लीट होती इन नवंबर मिड ऑफ नवंबर तो अगर मैं वेट करता उन 10-15 डेज का तो मैं फिर नहीं अप्लाई कर सकता था और फिर मैं अप्लाई करता इन नवंबर तो आपने स्टडी कंप्लीट होने से पहले ही अप्लाई कर दिया और मैंने अप्लाई किया एप्लीकेशन जानी होती है उसके बाद टाइम कितना भी लग जाए दैट डजंट मैटर बट आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो मेरा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो आई थिंक मैंने स्टार्ट ऑफ जुलाई किया था और द कंपनी वॉज रियली हेल्पफुल उन्होंने अपने सारे प्रोसेस विद इन अ डे कर दिए थे फिर जब मैंने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आई वॉज रिलैक्स बिकॉज वो कितने टाइम बाद भी रिप्लाई करें मैंने अपना अप्लाई कर दिया और उसके 15 डेज बाद जो है वो सब मुझे कॉल कर रहे थे कि तुमने कैसे कर दिया रियलाइज कि मैं तो 15 दिन पहले कर दिया था तो यार सो बहुत हेल्पफुल था आपकी वीडियो भी वो लिंक भी और वो पूरा प्रोसेस समझना चलो बहुत अच्छा लगा हमें सुन के खुद से करना लोग समझते हैं कि हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी हमने पूरा प्रोसेस खुद से किया बहुत इजी प्रोसेस है मुझे ऐसा लगता है कि जितनी डिफरेंट कंट्रीज है ना यूएसए ले लो या कनाडा ले लो उनके इमिग्रेशन पॉलिसीज और उनके इमिग्रेशन जो वेबसाइट्स हैं उनसे बहुत इजी है बहुत इजी है यस सिंपल तरीके से सब कुछ बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं तो बहुत हेल्पफुल था लेकिन
हमने जब हर चीज खुद करी तो रियलाइज कि हमें शायद अपनी एप्लीकेशन के लिए भी किसी एजेंट की जरूरत नहीं होनी थी। तो आपने एजेंट के हमने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था। अच्छा, अच्छा। वहाँ पर जो है वो काफी सारे ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो आपने फिर इस हिसाब से अपनी जॉब ढूंढी और उसके बाद जो आपकी स्टडीज थी वो उसका क्या हुआ? फिर स्टडीज चल रही थी बिकॉज जब आपका टीयर 2 आ जाता है तो यू आर स्टिल अलाउड टू स्टडी एज लॉन्ग एज योर एम्प्लॉयर नोज कि यू आर स्टडीइंग। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन में क्लियरली बता दिया था कि मेरा इतना इतना मास्टर्स रह गया और दे वर कंप्लीटली फाइन विद दैट। टाइम वाइज इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा था एज अ स्टूडेंट क्योंकि सिर्फ डिसर्टेशन करनी थी तो क्लासेस नहीं लेनी थी। यस यस यस। तो आप फुल टाइम आप जॉब पे भी टाइम दे पा रहे हो और घर पे आके आप अपना काम भी कर रहे हो। तो फिर वो आपने कंप्लीट किया वैसे? यस, मैंने वो कंप्लीट किया और डिसर्टेशन मेरी अब सबमिट हो चुकी है तो नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय रिजल्ट। ओके। बट एज आई सेड के द पीपल एट माय वर्कप्लेस वर रियली हेल्पफुल एंड टू एंड और मुझे दोनों को अवेयर रखना था लीगली भी, अपनी यूनिवर्सिटी को भी बताना था और अपने एम्प्लॉयर को भी बताना था। तो एवरीवन वाज अवेयर कि ये हो रहा है। दैट्स गुड यार, बहुत अच्छा लगा। मतलब स्टार्टिंग से ही आपने स्ट्रगल भी देखी बट साथ साथ आपने उस चीज के लिए मेहनत भी की। प्रोएक्टिव इन एवरीथिंग। प्रोएक्टिव थे तो एप्लीकेशन तो डालनी पड़ती है यार, रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा आते हैं बट साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है इंटरव्यू की, उसमें रिजेक्शन होते हैं, आप सीखने को मिलता है आपको, वहां से आप फिर जॉब लेते हो। तो बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ आपको मतलब ऐसे कौन से स्ट्रगल से आपको लगता है कि हाँ इतने लाइफ कितना टाइम हो गया अभी आपको यूके में? आई थिंक 1 year एंड 1.5। तो इस पूरे टाइम में ऐसे कौन से स्ट्रगल्स चैलेंजेस वगैरह आए जो आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज ऐसी थी जो हमने शायद इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे होगा, एकोमोडेशन से रिलेटेड या कोई भी चीज ऐसी हो जो आई थिंक हमने अपनी सामने ही एक्सपेंसेस को बढ़ते हुए देखा है? एक्सपेंसेस मतलब 1.5 year में वी हैव सीन कॉस्ट ऑफ लिविंग गोइंग अप। मतलब हम जो चीज लेते थे फॉर एग्जांपल 8 pounds में वो अब 10-11 pounds तक पहुंच गई है एंड इवन मोर। और प्लस स्टोर ढूंढना, हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर हर सुपर स्टोर अपनी प्राइस पे चीजें देता है। तो इनिशियली वी वर शॉपिंग फ्रॉम टेस्को एंड कोऑप। ओके, एंड दैट वाज बहुत एक्सपेंसिव है। दैट वाज रियली एक्सपेंसिव बिकॉज़ हम लोग जहाँ रह रहे थे वो रेजिडेंशियल एरिया था। yes. तो वहाँ पर कोऑप था। हाँ, हाँ, एलडी और एसडा नहीं थे। ओके, व्हेन वी सॉ कि यार एलडी और एसडा लाइक बहुत डिफरेंस है प्राइस में। नहीं, एलडी, एसडा और लिडल, लिडल कुछ ऐसे सुपरमार्केट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। एग्जैक्टली, और इनिशियली जब आप आए हो तो दीस places were really helpful. तो cost of living was a real challenge. Yes. और initially मेरे लिए travel करना और travel की cost and everything like train, फिर मुझे rail card का पता चला। एक और चीज़ है, कुछ students assume करके आते हैं कि वो remaining fees यहाँ आके कर लेंगे earn. Yes, exactly. नहीं, आप पूरी फीस नहीं अर्न कर सकते। yes. ये कि आप हाफ ऑफ अमाउंट कर लेंगे लेकिन आप माइंड बना के आए कि आपको वो फीस कहीं और से ही पे करनी पड़ेगी। मतलब आप ये नहीं है कि कई सारे क्वेश्चन हमारे पास भी आते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब करके फीस पूरी कर सकते हैं बट वो आप नहीं कर सकते। या कह लें कि आपके साथ पार्टनर आ रहा है तो वो फुल टाइम जॉब कर रहा है तो थोड़ा बहुत चांस है, अदरवाइज नहीं। तो आपको पहले से ही मतलब प्लानिंग करके आनी पड़ेगी कि आप कैसे देने वाले हो होली फीस, ये नहीं कि आप रिलाय कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब के ऊपर। फिर वो यहाँ पे आके बहुत स्ट्रगल करते हैं। है और ऊपर से यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, एकोमोडेशन में दिक्कत है उसमें भी बहुत ज्यादा और ग्रोसरी ये सब खर्चे, ट्रैवलिंग, ट्रैवल कॉस्ट। तो अभी आप लोग ट्रैवल का क्या है, मतलब गाड़ी वाड़ी है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? अभी हमने गाड़ी नहीं ली थी बिकॉज मैं स्टडी भी कर रहा था और तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो नाउ आई स्टार्टेड द प्रोसेस, मैंने लर्निंग बनवा लिया अपना। ओके, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस था। yes. तो वो मेरे पास आ गया लाइसेंस। okay. अब आपको क्लासेस लेनी, अब मुझे क्लासेस लेनी होंगी, थ्योरी टेस्ट वगैरह। थ्योरी टेस्ट पहले मैं थ्योरी टेस्ट की प्रेप कर रहा हूँ। थ्योरी टेस्ट मेरा क्लियर हो जाएगा तो कोवेंट्री में ही आई फाउंड इंस्ट्रक्टर जो कि आई थिंक उनका पर आवर चार्जेस होते हैं। यस, तो उन्होंने मुझे कुछ मिनिमम आवर्स बताए थे, आई फॉरगॉट नाउ, लेकिन वो आवर्स में लेके फिर मैं टेस्ट दूंगा। और अभी राइट नाउ व्हाट आई यूज फॉर ट्रैवलिंग इज मोस्टली ट्रेन्स एंड बसेस। ओके, कोई ऐसा बस पास के लिए? अच्छा। बस के लिए हमने स्विफ्ट कार्ड बनवाया हुआ है। स्विफ्ट कार्ड स्टूडेंट के लिए 31 pounds पर मंथ उनके चार्जेस हैं। ओके, डायरेक्ट डेबिट पे हमने सेट किया हुआ है। वो हमें कोवेंट्री में नेशनल एक्सप्रेस की कोई भी बस हम ले सकते हैं। ओके, उसके अलावा वी कैन यूज दैट इन स्टेज कोच इन कोवेंट्री एज वेल। ओके, अभी हम जिस लाइक फॉर एग्जांपल वी यूज दिस फॉर इंटर सिटी ट्रैवल एज वेल। यस, अभी हम वॉरिक आए जैसे फॉर एग्जांपल, तो कोवेंट्री से वॉरिक हमें कोई चार्जेस नहीं लगे। Okay. हमने बस कार्ड टैप किया, और हम लोग ट्रांसपोर्ट पे बसेस पे कोई स्पेंड नहीं करते बिकॉज हमारे कार्ड चलता है। तो ये स्विफ्ट पास है? कोई स्विफ्ट कार्ड है। मुझे इस बारे में पता नहीं था, स्विफ्ट कार्ड है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग चेक करना चाहो, स्टूडेंट हो यहाँ पे या फिर आने वाले हो तो आप ये चेकआउट कर सकते हो, काफी पैसे बचते होंगे। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोवेंट्री में रहते हो और आप बर्मिंगहम में जॉब कर रहे हो तो एक वेस्ट मिडलैंड्स का स्विफ्ट कार्ड भी आता है जो पूरे वेस्ट मिडलैंड्स में चलता है। ओके, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हर बार आपको 2 pounds देना है हर बस के लिए, उसके हिसाब से लाइक दिस इज रियली रियली हेल्पफुल। तो वो था, प्लस हमने रेल कार्ड अप्लाई किया था
रेल कार्ड से हमारा 1/3 कॉस्ट तो वैसे ही कट हो गई थी. एग्जैक्टली. तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता था बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी नॉर्थहैम्पटन में थी एंड आई वाज लिविंग इन कोवेंट्री. तो मैं वो रेल कार्ड यूज़ करता था फॉर माय रिटर्न टिकट. और यहाँ पे ना ऑफ पीक सुपर ऑफ पीक बहुत होता है. तो मैं टाइम्स, अच्छा मेरे पास ऐप है ट्रेन पैल. ओके. एक ट्रेन लाइन भी है, मैं ट्रेन पैल यूज़ करता हूँ. ट्रेन पैल मेरी सारी चीज़ें मैनेज करता है. मेरा रेल कार्ड भी सबसे ज़्यादा चीपेस्ट टिकट मुझे दिखाता है वो. अच्छा, अच्छा. कि मैं लाइक मुझे अगर नॉर्थहैम्पटन जाना है तो उस वक्त मैं पे करता था 850 रिटर्न टिकट. ओके. फ्रॉम कोवेंट्री टू नॉर्थहैम्पटन. तो मैंने कंपेयर्ड दैट टू नॉर्थहैम्पटन लिविंग. नॉर्थहैम्पटन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू लंडन. तो रेल कार्ड इज़ रियली हेल्पफुल, स्विफ्ट कार्ड इज़ रियली हेल्पफुल. एंड देन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना कि आप सुबह 9 बजे निकल जाओ, कहीं आपको दूर जाना है तो सुपर ऑफ पीक लग जाता है. तो ये बहुत हेल्प करता है रेल कार्ड एंड स्विफ्ट कार्ड. दे बोथ हैव बीन रियली हेल्पफुल. That's good. मेरे दिमाग में अभी दो क्वेश्चन आए हैं. बात करते जाते सबसे पहला क्वेश्चन कि आप जब पाकिस्तान से यहाँ पे आए तो आपका पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एक साल तक, जैसे हम इंडिया का कर सकते हैं. इंटरनेशनल कर सकते हो. इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया वो आया कि जब आपने यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा लगवाया था उसमें आपको कुछ पे करना पड़ा, कंपनी ने सारा ऑफर किया आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए? तो स्किल्ड वर्कर मेरा तो स्किल्ड वर्कर था एंड देन फाइजर वाज डिपेंडेंट ऑन माय एप्लीकेशन. तो मेरा तो मेरी कंपनी ने पे किया था फॉर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर IHS एंड आई थिंक कुछ एप्लीकेशन फीस भी होती है. बट फॉर फाइजर आई हैड टू पे मायसेल्फ. ओके. डिपेंडेंट का नहीं पे करते कई कंपनीज, यूजुअली कंपनीज, क्योंकि डिपेंडेंट आपके अगर फॉर एग्जांपल आपके 3 बच्चे हैं वो 5 का नहीं है यूजुअली. मैं देखा 90% ऑफ कंपनीज आपका अप्लाई कर देंगे बिकॉज बाकी अनसर्टेनिटी है ना. तो मेरा उन्होंने अप्लाई किया था. आजकल कंपनीज के लिए भी काफी कॉस्ट बढ़ गई है. Yes. कॉस्ट yes. देने के लिए तो जैसे हम लोगों की वीजा कॉस्ट बढ़ गई है सब चीज में. yes. कंपनीज की भी बढ़ गई है. अगर वो किसी को कॉस्ट लेटर देते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी भी थोड़ा. आजकल तो मैंने ये भी सुना कि कई जगह कंपनीज बोलती है कि हाफ हम पे करेंगे और हाफ आप yes. पे करो. इनफैक्ट जो हमारी इनिशियल कंपनी थी जिसमें हमने आती ज्वाइनिंग दी थी वो लोग ये कह रहे थे कि अगर हम स्पॉन्सर देंगे तो फीस आप खुद पे करें, खुद पे करनी पड़ेगी. कई कंपनीज होती है. बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पे आने से पहले पूरी अच्छे से रिसर्च करी, यहाँ पर आने के बाद रिसर्च करी अच्छे से और टाइम पे सारी चीज़ें करी ताकि आपको स्टूडेंट जॉब भी उसमें मिल जाए. आगे चल के आपको वो एक्सपीरियंस काम है फुल टाइम जॉब लेने के लिए. और मैं हमेशा ना अब जो भी व्यूअर्स हैं हमारे उनको यही बोलता हूँ कि जब आप आओ ना यहाँ पे तो मेहनत करो यार. मेहनत करने से ही मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा आगे. अगर आप ये सोचोगे कि हम बैठे रहेंगे और खुद जॉब चल के हमारे पास आएगी तो ऐसा नहीं होने वाला. तो एटलीस्ट 100 एप्लीकेशंस इन्होंने सबमिट करी थी जबकि इनके पास एक्सपीरियंस था. तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको तो यार बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी. उसके बाद जॉब लेने के लिए इंटरव्यू वगैरह देते हो तो आपको कुछ डिफरेंस लगा अपने होम कंट्री से और यहाँ पे? ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं या क्या? यहाँ पर प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं. लाइक पहले आपका एक थियोरेटिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको कोई असाइनमेंट दे देंगे. दिस हैपेंस आफ्टर योर एचआर कॉल. एचआर आपको कॉल करती है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. यस. देन इफ़ यू से कि येस यू आर इंटरेस्टेड और वो आपसे डेट वगैरह पूछती है देन दे सेंड यू सम टेस्ट. ओके. फॉर मी जो मेरी सेकंड कंपनी का प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. ओके. उसमें पहले मेरे पास टेस्ट आया था, मैंने टेस्ट दिया था. उसके बाद फिर उन्होंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था जो मेरे डिपार्टमेंट के हेड के साथ था. उसके बाद फिर जो मेरे टीम के हेड्स थे वो 3 हेड्स थे. फिर मेरे 3 इंटरव्यूज वो हुए थे. ओके. तो दिस इज़ लाइक 1 टेस्ट एंड 4 इंटरव्यूज. फिर मेरा एक एचआर के साथ एक फिर मीटिंग हुई थी जिसमें मुझे अपनी सर्कमस्टेंसेस बताने थे कि मैं स्टूडेंट हूँ या क्या हूँ. आफ्टर दैट फिर मेरी एक फाइनल मीटिंग हुई थी जिसमें मेरी जो है सैलरी वगैरह डिस्कस हुई थी और वो फिर मेरे हेड से डिस्कस हुआ था जिसमें मेरा रोल मुझे प्रॉपरली डिफाइन किया गया था कि आपका काम क्या होगा. तो दिस इज लाइक 6-7 इंटरव्यूज एंड टेस्ट. तो अभी आपका रोल क्या है? जो भी मैं अभी सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हूँ इन पब्लिशिंग डिपार्टमेंट. हमारी गेम पब्लिशिंग एंड गेम डेवलपमेंट कंपनी है. तो मैं पब्लिशिंग डिपार्टमेंट में होता हूँ. और मेरा रोल है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेना और उनको उनका टेक्निकल एनालिसिस करके उसको पूरा जर्नी मैप करना. ओके. एंड आपका क्या रोल है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर. वाओ. तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, जॉब कैसे ढूंढी, एकोमोडेशन कैसे ढूंढी, काफ़ी स्ट्रगल्स भी आए. तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, आपका वर्क कल्चर के हिसाब से आपका कैसा एक्सपीरियंस है ब्रिटिश कंपनी में काम करने का और अपनी होम कंट्री में जहाँ पे भी आपने काम किया हो? मैंने जैसे बताया मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है बैक एट होम भी. वहाँ और यहाँ एक डिफरेंस जो मुझे बहुत लगता है वर्क लाइफ आपके जो बैलेंस है. पहले हमें ये नहीं पता था कि हमें वेकेशन लेने ऑफिशियली प्लान करने वेकेशन डेज. मतलब अभी ना ईयर एंड हो रहा था तो मेरी कुछ लीव्स रह गई थी. तो आई गॉट एन ऑफिशियल ईमेल फ्रॉम माई टीम लीड
के प्लीज प्लान योर हॉलीडेज, एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो आदत नहीं होती. एग्जैक्टली. तो वरना हमें तो एक छुट्टी लेने के लिए अपना सिकनेस सर्टिफिकेट और ये और वो कि मैं सच में बीमार हूँ आके देख लो. यहाँ पर तो आई रियलाइज कि मुझे फोर्स किया जा रहा है कि यूज योर हॉलीडेज और प्लान करो. जैसे आपके क्रिसमस में दो डेज का ऑफ आएगा, तो प्लान योर हॉलीडेज अकॉर्डिंगली. मुझे लाइक रिकमेंडेशन दी कि एज इन इन डेज प्लान करोगे ना तो हमें ज्यादा छुट्टियां मिल जाएंगी. तो अब मेरे लिए लाइक दिस वाज अ कल्चरल शॉक कि मैं तो लाइक अब वी वाज ऑलवेज स्ट्रेसफुल इन द जॉब के यार काम है, डेडलाइन है एंड एवरीथिंग. सो दे अंडरस्टैंड क्वालिटी इससे इंप्रूव होती है. मुझे ये रियलाइज हुआ कि इफ यू आर वेरी रिलैक्स इन योर जॉब प्रोडक्टिविटी, एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होती है. तो ये बहुत बड़ा शॉक था बट हेल्पिंग इन माय वे. तो ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था. ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था. लाइक अगर आप वर्क प्लेस पे मौजूद हैं तो सारे गेम्स के ऑप्शन हैं, रिलैक्स करने के ऑप्शन हैं, गेमिंग कंपनी में ये तो यार मिले आपको गेम्स खेलने का मौका मिलेगा. अच्छा पूरा प्लेस्टेशन वगैरह लगा पड़ा होगा पूरा, लाइक वहां पे स्टीयरिंग व्हील्स रखे होते हैं अगर आपको कोई कार वाला गेम खेलना है. यार अगली जॉब मुझे गेमिंग करनी है. तो अपने सारा एक्सपीरियंस हमने पूछ लिया इनसे, इन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया. अब आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, मतलब यूके में आपको अच्छा लग रहा है रहना और लॉन्ग टर्म प्लान है यहाँ पे रहने का? ओके. सो अभी हम जैसे टीयर टू पे हैं, तो अगर हम इस पे 5 years रहते हैं तो वी कैन अप्लाई फॉर आईएलआर, व्हिच इज लाइक अ लॉन्ग टर्म स्टे हियर और यू आर पोटेंशियली अ रेजिडेंट देन. यस, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और पीआरई बोलते हैं. एग्जैक्टली. तो अभी हमारा प्लान यही है कि क्योंकि जॉब भी हमारी फील्ड की है और काफी इंटरेस्टिंग जॉब है और कंपनी भी स्टेबल है. यस. तो वी आर प्लानिंग टू कम्प्लीटली यूज आवर टीयर टू टाइम और थोड़ा सा यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे अब हम काम कर रहे हैं. क्योंकि इनिशियली जब आप स्टूडेंट आते हो तो यू आर जस्ट बेयरली लिविंग. तो अब मैं जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आई विल गो फॉर अ कार और लाइक थोड़ा सा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे. और यहाँ पर हमें ये चीज़ रियलाइज हुई कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे mentally healthy, yes. you have to maintain a very good balance of what you're doing in your professional life and what you're doing in your personal exactly. life. So, hum ab properly vacations lete hain, hum ghumne jate hain, hum that's good. To yahan pe long term hamara plan yehi hai ki we plan for using a complete year to apply for ILR and then potentially stay here. That's good. Bahut acha laga. To ye to ho gaya aapka experience. Ab jo bhi hamare viewers hain, jo bhi students yahan pe aana chahte hain ya fir jo already hain yahan pe job dhoondne ka plan kar rahe hain, ab unko kuch apni taraf se tips dena chahte ho jo aapne dekhe ho ki ha aise apply karna hai, ye cheeze dekhni hai, CV mein ye cheeze tailor karni hai, kuch apni taraf se tips dena chahte ho? Hamare yahan ek thoda sa misconception hai ki aapki ek resume har job pe chal jayegi. Agar aap kisi specific job pe apply kar rahe ho to unki basic job description padhe. उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे दे विल बी एम्फसाइजिंग ऑन अ सिंगुलर टर्म लाइक कीवर्ड्स. ट्राई एंड यूज दोस कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे. अपने स्किल्स को ऐसे अलाइन. अब मैंने देखा है कुछ लोगों के स्किल्स में लाइक 25 स्किल्स लिखे होते हैं और मैं रेलिवेंट अगर ढूंढने जाऊं तो मुझे लिटरली स्किम करना पड़ता है. एचआर के पास इतना टाइम नहीं है. सही है, दे आर नाउ यूजिंग वेरी स्मार्ट टूल्स. वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं. तो और अप्लाई करते वक्त दे शुड नॉट थिंक लाइक लिंक्डइन पे इजी अप्लाई का फिल्टर होता है. तो आप अप्लाई कर दो फॉर एवरीथिंग, ऑब्वियसली नॉट कम्प्लीटली रेलिवेंट. अप्लाई फॉर एवरीथिंग विच हैज स्लाइट लाइक आपकी सीवी से और आपके मैचिंग स्किल्स हो. उसके बाद जितना आप अप्लाई करोगे, लाइक इफ यू आर अप्लाइंग फॉर, मेरा रूल यही है कि इफ यू अप्लाई फॉर 100 जॉब्स यू गेट कॉल्स फ्रॉम प्रोबेबली 20, 10 सीरियस होंगी, 5 पे यू माइट गेट इंटरव्यू कॉल्स एंड 1 इज योर जॉब. ओके. तो 100 पे अप्लाई नहीं कर रहे तो यू आर पोटेंशियली नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब. यस. तो इतनी अप्लाई करनी है, अप्लाई बहुत ज्यादा करना है. और अगर आप लकी हो गए, अगर आपको फर्स्ट 5 अप्लाई कर लिया आपने जॉब, उसी में इंटरव्यू आ गया, तो आप ऑब्वियसली लकी हो. बट अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो. मतलब 100-200 जॉब जितनी भी आप अप्लाई कर सकते हो सारी अप्लाई करो और अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, अपने स्किल से रिलेटेड हो, ऐसे नहीं इररिलेवेंट जॉब्स हो. तो यार बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या बताऊं कि कोई मैं मतलब ट्राई करता हूं कि कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज आगे भी लूं जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिले. जैसे अब आप पाकिस्तान से आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप वहां से कैसे आपने जॉब ढूंढी और यूनिवर्सिटी ढूंढी, यहाँ पे जॉब करी. अब हम कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी लेना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि टीचर्स लाइन पे यहाँ पे कम है, मतलब यूट्यूब पे भी वीडियोस कम है अगर कोई टीचिंग में जॉब ढूंढना चाहता है. तो हम ट्राई करेंगे कि यार टीचिंग में भी कोई प्रोफेशन में अगर हो तो उनके साथ भी हम इंटरव्यू करें, एक्सपीरियंस ले उनका. तो हमें बहुत अच्छा लगा यार. थैंक यू सो मच वकास एंड फैजा. और यार लास्ट में यही बोलूंगा कि हमारा कल्चर कैसा है, सब मिलता जुलता है अपना इंडिया पाकिस्तान में खाने पीने में? ऐसे नहीं लग रहा बिल्कुल भी, पहली बार मिल रहे हैं ना. अच्छा पहली बार शायद इसलिए आपको लग रहा है हम नहीं मिले क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा आपकी वीडियो से. थैंक यू. नॉट जस्ट के यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह जो बेसिक थे, हमने ये भी देखा है कि आप लोग खाना क्या खा रहे हो, कहाँ घूमना है, घूमना है, प्लान कैसे करना है. एंड वी रियलाइज के हमारे टेस्ट बड्स भी थोड़े से मैच करते हैं. जो आपको अच्छा लगा वो हमें भी अच्छा लगा खाने में. तो
हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूके के बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं स्पेशली नाउ, तो उसको अप टू डेट रखने के लिए हमें लिटरली हमने ढूंढते थे कि कोई मिले एंड वी रियली फॉलो. और मुझे कोई दोस्त भी आ रहा होता है तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज कि यार इनकी शुरू की वीडियोस देख लो, एटलीस्ट यू विल गेट हेल्दी बैलेंस का स्टार्ट कैसे करना है. तो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. हम ट्राई कर रहे हैं कि अपने जो मेन चैनल है उस पर और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हम लोगों के लिए लाते रहे, इसीलिए हम लोगों ने अपना व्लॉगिंग चैनल सेपरेट किया है ताकि जिनको व्लॉग पसंद है वो अपना व्लॉगिंग चैनल आराम से देखें. और अभी का भी चैनल है बढ़िया अपना, वहाँ पे भी अभी अपना मेकअप से रिलेटेड, नवरात्रि लुक से रिलेटेड वीडियोस आई है वहाँ पे, वो भी आप देख सकते हो. और बहुत अच्छा लगा सबसे आपसे मिलके, और अभी चलते हैं हमारी तरफ से कॉफी बढ़िया बैठ के कॉफी पीते हैं कहीं. और होपफुली आप लोगों को भी वीडियो देख के पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना. कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ चीज में आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, यही आपका मौका होता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कई बार हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का रिप्लाई करें आप लोगों के लिए. और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.